आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोकभवन में किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकार बालिकाओं की शिक्षा के लिए योजनाएं चला रही है, अब बालिकाओं को कुपोषण से बचाने के लिए भी सरकार काम करेगी। इस योजना से कुपोषण खत्म होगा। हम लोगों ने एक पोषण पखवाड़ा भी आयोजित किया करने का निर्णय लिया है। 8 मार्च को पहला कार्यक्रम होगा, इसके 3 महीने के बाद फिर से यह कार्यक्रम आयोजित होगा, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद फिर इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करने की एक व्यवस्था बनाई गई है, जो प्रत्येक ANM सब सेंटर पर किशोरी दिवस का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आयोजित करने किस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दृष्टि से आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों या प्रदेश के अंदर आंगनबाड़ी सहायक आंगनबाड़ी या मिनी आंगनबाड़ी के रूप में जो बहनें कार्य कर रही हैं उन सब के साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से इसीलिए मैं संवाद बना रहा हूँ कि हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से इस देश के बेहतर भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। एक स्वस्थ भारत और एक सशक्त भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस परिकल्पना को साकार करने में हम सबकी क्या भूमिका हो सकती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान पर हम कैसे इस पवित्र अभियान के साथ जुड़ करके हम भी पुणे के भागीदार बन सकते हैं। ग्रेटर नोएडा की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 बैंक डकैतियों, हत्या और लगभग आधा दर्जन चोरियों की घटनाएं अंजाम देने वाले दंपति को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मियां बीवी बावरिया ग्रोह के सदस्य बताए जा रहे हैं। आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के जेवर और हजारों की नकदी बरामद की गई। इस दंपति पर कानपुर और गौतम बुद्ध नगर में 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो सेंटर में चल रहे दिल्ली फेयर में पुलवामा हमले का असर साफ तौर पर देखने को मिला। आलम यह है कि इस बार फेयर में विदेशी भी कम नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से आने वाले लोग भी फेयर में कम दिखाई दिए। मिक्स रिस्पांस है, फेयर्स में बायर्स भी आ रहे हैं। कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ कंट्रीज ने एडवाइजरी भी जारी करी होगी। मुझे लग रहा है कि ये पुलवामा की जो घटना हुई है काफ़ी दुखद घटना है ये हमारे देश के लिए। इससे भी विदेशी जो कंपनियां हैं तो मुझे लग रहा है कि शायद अमेरिका से कोई एक एडवाइजरी जारी हुई है कि भाई इस तरह की घटनाओं में टूर करने के लिए लोग बचते हैं आने से, तो थोड़ा प्रभाव तो पड़ा है इन घटनाओं से। मतलब माना जाए कि पुलवामा अटैक का असर जो है फेयर पर साफ तौर पर देखने को मिला है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि 2 मेन रीज़न रहे हैं। एक तो हमारे दिल्ली में स्वाइन फ्लू की कुछ घटनाएँ जो समय हुई हैं, और ये जो पुलवामा अटैक हुआ है इससे कुछ कंट्री ने एडवाइजरी जारी करी है कि भाई आप जाते समय सावधानी बरतें। तो शायद कुछ विदेशी जो खरीदार हैं उन्होंने कुछ कैंसिलेशन भी किए हैं इस वजह से। गाजीपुर में आम उपभोक्ताओं पर ही नहीं बल्कि सरकारी विभागों पर भी बिजली विभाग का करोड़ों रुपए बकाया है। पुलिस लाइन, विकास भवन, जिला अस्पताल समेत अन्य विभागों के बकाए की रकम जोड़ी जाए तो करीब 6,94,93,757 रुपए बैठती है। बकायेदारों की लिस्ट में कुछ साल पहले बनकर तैयार हुए रेलवे ट्रेनिंग सेंटर भी शामिल है। विभाग की तरफ से बार बार बकाया जमा करने की अपील की जा रही है, लेकिन बकायेदार कान में तेल डाले बैठे हैं। सरकारी विभाग होने की वजह से बिजली विभाग भी इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने से कतरा रहा है। विभिन्न कार्यालय हैं, ऑफिसेज हैं, वहाँ पे जो विद्युत विभाग अपना बिजली की सप्लाई देता है उनके कुछ कार्यालयों पे कुछ बकाए का मसला है। तो इस संबंध में सभी कार्याध्यक्ष से विद्युत विभाग के संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपर्क किया गया है। जिनके पास जो बजट की उपलब्धता है उसकी परिधि में रह के प्रयास ये किया जा रहा है कि विद्युत विभाग के जो भी बकाया है उनका भुगतान करवा दिया जाए। अगर किसी कार्यालय में इस मद में धन उपलब्ध नहीं है तो संबंधित कार्याध्यक्ष से ये कहा गया है कि वो अपने संबंधित जो स्टेट के मुख्यालय हैं मुख्यालय से इस मद में अपना पैसा मंगवा करके विद्युत के बकाए का भुगतान प्राथमिकता में करवा दें। रायबरेली में युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष चौधरी ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों की मदद का फैसला लिया है। उन्होंने 11,000 रुपए की सहायता राशि का चेक जिलाधिकारी को सौंपा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग शहीदों के परिवार के लिए बढ़ चढ़ कर आगे आए।
फतेहपुर की सदर कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने स्कूल जा रही 8 वर्षीय बच्ची का अपहरण का प्रयास किया। बच्ची की माने तो वह स्कूल जाने के लिए रिक्शा का इंतजार कर रही थी, तभी दो लोगों ने स्कूल छोड़ने के बहाने उसे रिक्शा में बैठा लिया और दूसरे रास्ते पर ले जाने लगे। गलत रास्ते पर ले जाने का विरोध करते हुए बच्ची चलते रिक्शे से कूद गई, जिसमें उसका सर फट गया। पीड़िता के परिवार ने रंजिश के चलते अपहरण के प्रयास की बात कही है। बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रक ने कक्षा 9 की एक छात्रा को रौंद दिया। हादसे में छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। कानपुर में प्रयागराज नेशनल हाईवे पर विपरीत दिशा से आ रही बाइक सवार को लोडर ने टक्कर मार दी। आमने सामने टक्कर होने से बाइक लोडर के नीचे आ गई, जिसमें बाइक सवार शख्स बुरी तरह घायल हो गया, जबकि उसकी पत्नी और मासूम बच्चे की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि महिला और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हापुड़ में पुलवामा के शहीदों के लिए विशाल हवन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। इस दौरान शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। हवन में पहुंचे लोगों ने भारत सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।